पहले बॉलीवुड की बेबो यानी करीना कपूर खान ने तैमूर को जन्म दिया और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि शायद अब करीना के करियर का ग्राफ नीचे आ जाएगा, क्योंकि बॉलीवुड अदाकाराओं को लेकर लोगों की मेंटालिटी यही रही है। लोग सोचते हैं, मानते हैं कि मां बनने के बाद अभिनेत्रियों के करियर का ग्राफ नीचे आ जाता है। करीना को लेकर भी ऐसी ही सिचुएशंस बनी हुई थी, लेकिन तैमूर के जन्म के 3 साल बाद करीना कपूर खान ने साबित कर दिया है कि वो किसी से कम नहीं है और मां बन जाने के बाद उनका करियर रुकने वाला थमने वाला बिल्कुल नहीं है। तैमूर के जन्म के 3 साल बाद करीना के हाथ इतनी बड़ी अचीवमेंट लगी है जो उनके फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल अगले साल यानी साल 2020 में ICC के महिला एवं पुरुष T20 क्रिकेट टूर्नामेंट होने हैं ऑस्ट्रेलिया में और इस बड़े टूर्नामेंट की ट्रॉफी का उद्घाटन पटौदी खानदान की बहू और अभिनेत्री करीना कपूर करने जा रही हैं। इस मौके पर करीना ने कहा कि मैं इस शाम का हिस्सा बनकर बहुत ही सम्मानित महसूस कर रही हूं। मैं उन सभी महिलाओं का उत्साहवर्धन करना चाहती हूं जो अपने देश के लिए खेल रही हैं। उन्हें ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच सशक्तिकरण का एहसास कराता है। बता दे आपको, करीना कपूर खान ने जो इतनी बड़ी अचीवमेंट अपने हाथों में ली है, उन्हें जो इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है, वो वाकई उनके फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बता दें आपको, करीना ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मंसूर अली पटौदी के बारे में भी बात की जो रिश्ते में उनके ससुर हैं। करीना कहती हैं, मेरे दिवंगत ससुर भारत के महान क्रिकेटर्स में से एक थे। इस ट्रॉफी का अनावरण करना मेरे लिए सम्मान की बात है, यानी खुद बेबो जो हैं इस उपलब्धि को लेकर काफी ज्यादा सम्मानजनक महसूस कर रही हैं, तो उनके फैंस का सोचिए जरा क्या हाल होगा। बता दें आपको, करीना के हाथ में और भी कई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जैसे लाल सिंह चड्डा, गुड न्यूज। तो फिलहाल बेबो रुकने वाली और थमने वाली नहीं है, इट्स जस्ट अ बिगनिंग, आगे तो उन्हें और उड़ना है। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।